What's up guys, तो कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel. मैं हूं आयशा असलम और मैं हूं सानिया सईद. तो गाइस अब हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे उस वीडियो का नाम है सस्ता टीचर कैरी मिनाटी वर्सेस राउंड टू हेल. तो गाइस स्टार्ट करेंगे जेंस. सॉरी राउंड टू हेल नहीं, कैरी मिनाटी वर्सेस जेंस है भी यार. मतलब कितनी साइड है? तीन साइड है. बकचोदी बदतमीजी भेड़ापन क्या है बच्चों? बकचोदी बदतमीजी भेड़ापन यानी बकचोदी स्क्वायर इज इक्वल टू बदतमीजी स्क्वायर प्लस भेड़ापन स्क्वायर विच इज आंसर द फॉर्मूला ऑफ कंट्रोवर्सी. इसे अवॉइड करने के लिए बना देते हैं सेंसर की परपेंडिकुलर लाइन ताकि बकचोदी हमेशा राइट एंगल बनाए. अब राखी या तो बदतमीजी बकचोदी करेगी या भेड़ापन बकचोदी करेगी, तीनों साथ में नहीं करेगी. अब बच्चा पार्टी में तुम्हारी सोच की तरह इस ट्राइंगल की पोजीशन टेढ़ी कर दूं तो वो तब भी उतनी ही वाई याद रहेगी. हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे लंबी लाइन अभी भी बकचोदी की है. गांडू गुड मॉर्निंग. गांडू? अरे तुम्हें कह रहा हूँ सकल सी गांडू लगो दोनों. ऐसा कह रहा हूँ गांडू. तुम दोनों कह रहे होंगे गांडू. तुम तीनों गांडू हो. आप तीनों बताओ आईआईटी में पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? आईआईटी बस यही तो सर बता तो जाओ. बस यही तो आईआईटी में पढ़ने वाला आईआईटीयन हुआ, तो गांडू क्लासेस में पढ़ने वाला बच्चा गांडू हुआ. आप भी गांडू हो. फीस पहले ले लूंगा. तो बच्चों सुन लो, ये 30 दिन का कोर्स है. अगर 28-25 दिन में जिसने किया वो बच्चा गंडी कहलाया. अरे बच्चों मेरी बात तो सुनो, बैठो. सर गंडी बनने थोड़ी आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं. अरे मेरे बेटे गंडी मत बनो. आप 30 दिन में पूरे सेट करो लौंडिया, जल्दी मत करो, गंडी नहीं कहूंगा. ये तो एक श्रद्धा है इस कोचिंग सेंटर की जो टॉप मारता है. सर ये आपने कोचिंग क्लासेस का नाम गांडू ही क्यों रखा सर? बहुत असली नाम लग रहा है. मुझे पता था तू जरूर पूछेगा. सकल से ही भाड़ो लग रहा था तू मुझे. अब जैन गिरेगा. गिरा गिरा. तेरी माँ का साले. फीस में ऐड कर लिए 250 रुपए कुर्सी के. तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जी जो है गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड करता है, ए जो करता है आपके लिए, इसी प्रकार एम नहीं के लिए और डी डीयू के लिए, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी दूर. तो इससे हम मनाते हैं गर्लफ्रेंड अब नहीं दूर किसी की भी. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, लड़की अगर भीड़ वाले इलाके में है या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्वेश्चन बाकी में शानदार है. मैं आपको दोनों फॉर्मूले देता हूँ. भीड़ में जो लगेगा बी इक्वल टू 4AC और जो राजीव चौक का पूछ रहे हैं उसमें 2 से गुणा कर दो भीड़ की, बस 4AC. यहाँ पे आपका सी जो है भीड़ है, ए जो है आपका सब्जेक्ट है. फीस पूरी ले लूंगा बेटे. भीड़ की यहाँ पे 2 से गुणा इसलिए की गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है राजीव चौक पे. सर अगर लड़की की सैंडल की बद्दी टूटी हुई है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटे पहले बद्दी लगेगी, फॉर्मूला बाद में लगेगा. और सर अगर लड़की अपने भाई के साथ हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला तो कोई ना लगेगा पर रैप्टा बड़ी भर के लगेगा. तो बेटे इसमें 7 चैप्टर होंगे एक महीने में, आपके सातों के सातों आपको करने पड़ेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ लौंडिया, वेलोसिटी ऑफ लौंडिया, बाजार में लौंडिया, मॉल में लौंडिया. और फीस पूरी ले लूंगा महीने से पहले. तो बेटे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इसमें ही होगा शादी ब्याह में लौंडिया. पूरा सब पूरा उतारने दियो अभी. सर मैं कुछ कहना चाहता. हाँ बेटे बताओ. सर मैं बाजार में लौंडिया नहीं छेड़ूंगा. तू तो कोचिंग अंकल जल्दी से स्कूल पाए, बहुत ही कमजोर बच्चा तुम्हारे पढ़ाई में. अच्छा जी अंकल जी जल्दी स्कूल को आ जाओ, बहुत ही कमजोर बच्चा आपका. बात तो ठीक है यार, अब मैं क्या बोलूँ यार. मतलब नहीं यार मत बोल यार, कुछ मत बोल. क्यों ना बोलू? क्यों ना बोलू? अच्छा कैरी मिनाटी की क्लास तो मुझे इतनी सी समझ में नहीं आई, इतनी सी. लेकिन उसने गालियां किसी ने तो बेचारे को यार. क्लास समझ में नहीं आई लेकिन गालियां तो दे रहा था ना. नहीं इधर मेरी बात सुन, कैरी मिनाटी ये वाला था, जेंसर पे ये वाला. ये जेंसर
अच्छा अगर वीडियो यूं लगेगी, हाँ हाँ वीडियो आप लोगों के लिए तो हाँ, यूं लगेगी ना, यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ कैरी नटी वो चश्मे वाले था, कैरी नटी वो चश्मे वाला था, चश्मे वाह वाह। ओके समझ गई, समझ रहे हो, खैर गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।